उत्तर प्रदेश के मदरसों और दरगाह पर योग का आयोजन होगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मदरसों और दरगाह में योग का आयोजन करेगा। प्रदेश भर में 900 जगहों पर आयोजन की तैयारी है। इसके अलावा भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18,50,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर पहुंचेगा और ये सभी जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के हैं। मिशन 24 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा योग का आयोजन करेगा, तैयारी है 24 की और इसी को लेकर 900 जगहों पर योग का आयोजन होगा। योग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश, 900 जगहों पर योग का आयोजन, 18,50,000 पीएमए के घर जाने का भी कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक समाज के हैं पीएमए योजना के लाभार्थी और योग के माध्यम से इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा। 24 को लेकर एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का ये भरोसा जीतो प्लान है क्या, ये आपको बताते हैं। देखिए, भाजपा की मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की योजना है कि योग करवाया जाएगा। यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का योग करवाने का प्लान बना रही है। यूपी में 900 जगहों पर योग का आयोजन करने की तैयारी चल रही है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचने का भी लक्ष्य है। 18,50,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मकसद है। पसमांदा सम्मेलन के बाद भाजपा का यूपी में योग प्लान है और इसी के साथ 24 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बड़ी तैयारी है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले योग से जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर अल्पसंख्यकों पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि उन्हें योग से जोड़ा जाए। तो प्लान की जा रही है, पूरी वहां पर कोशिशें की जा रही है, तैयारियां की जा रही है कि पसमांदा सम्मेलन के बाद अब ये भाजपा में यूपी का योग प्लान देखने को मिलेगा। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, पहले हमने देखा पसमांदा सम्मेलन हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि 24 में जो लक्ष्य सेट किया उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब योग प्लान ये क्या है, बताएं जरा विस्तार से। देखिए, पहले पसमांदा सम्मेलनों का आयोजन, उसके बाद सूफी संतों के साथ कार्यक्रमों के आयोजन की एक पूरी योजना, फिर मन के बात के जो एडिशंस थे जब से आना शुरू हुआ पीएम मोदी का कार्यक्रम, उसको उर्दू में किताब डेवलप कराना, फिर 30 अप्रैल याद कीजिए जब मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में सभी मदरसों में सुनवाने की व्यवस्था की गई, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी बीपी गंगा पर, और उसके बाद में अब जबकि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है बड़े स्तर पर, तो उस पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तैयारी की है कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं, जो दरगाह हैं, वहां पर भी किया जाएगा। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसी दौरान ये पूरा कार्यक्रम भी होगा। और दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम होगा, 18.5 लाख जो पीएम आवास पाने वाले लाभार्थी हैं जो अल्पसंख्यक समाज के, उनसे डोर टू डोर संपर्क करने का। हमारे साथ में कुंवर बासित अली मौजूद हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं से जानते हैं। बासित जी, क्या है पूरी योजना, किस तरह से ये 18.5 लाख लोगों तक आपका जाना, जो आवास पाए हैं, इसके बाद योग दिवस का आयोजन मदरसों में। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जो मुसलमानों की आबादी 19% थी, उनको 30% तक के आसपास जब लाभ दिए गए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब 46 लाख मकान बनते हैं, 18,50,000 मकान केवल मुसलमानों को मिलते हैं, तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है, वो ज़मीन पर उतरती है। केवल वो डायलॉग नहीं है, वो ज़मीन पर छत देने का काम, राशन देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब महाजनसंपर्क अभियान के तहत जिन लोगों को आवास मिले हैं, उनसे मोदी जी के बारे में बताना और उनको प्रोत्साहित करना कि वो मोदी जी के लिए धन्यवाद का पत्र लिखें और भारतीय जनता पार्टी के तहत जो अभियान चले, जो योजनाएं बनी, उनमें कोई तुष्टिकरण नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल गरीब गरीब है, गरीब कल्याण के सरकार ने काम किए। योग दिवस का कार्यक्रम, योग दिवस पर इस बार पूरे दुनिया के अंदर जब से मोदी जी आए तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा, तो ये हम हर देशवासी का फ़र्ज़ बनता है। तो हम मुसलमानों में ख़ास तौर से, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा का काम है, तो दरगाहों पर, मदरसों में, छात्रों के बीच मौलाना और सूफी संवाद के माध्यम से और सूफियों के बीच इस कार्यक्रम को ले आ करके इस बार 21 जून को लगभग 900 दरगाहों, मदरसों और इदारों, खानकाहों में ये जब योग दिवस का कार्यक्रम होगा, योग होगा, तो ये जो एक वर्जिश है, एक हमें करना चाहिए,
उसके लिए प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। ठीक है, पार्टी के आपके मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि अल्पसंख्यकों को कैसे अपने साथ जोड़े। बहुत धन्यवाद आपका चैलेंज जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।